आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू ऑफ बी एच यू एम एस सी जोलॉजी इंट्रांस पेपर टू थाउजेंड सिक्सटीन सो फॉर बेटर प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अवर्टीब्रा हैविंग सेंट्रम कन्वैक्स एट द इंटीरियर एंड एंड कंकेव एट द पोस्टीरियर एंड इज नॉन एज ओफिसोसियोलस एम्फिसियोलस प्रोसियोलस इज ऑप्शन वन ओफिस्थोसियोलस वर्टिब्रा के अंदर जो सेंट्रम है वो कन्वैक्स होती है पोस्टीरियर एंटीरियर एंड पे और कनकेव होती है पोस्टीरियर एंड पे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वेच वन इज फ्री स्विमिंग प्लेजिक नियोटिनिक यूरोकार्डेट एनिमल डोलियोलम साल्पा उइकोप्लोरा और पायरोसोमा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री उइकोप्लोरा इज अ फ्री स्विमिंग पिलैिक एज वेल एज नियोटिनिक यूरोकार्डेट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव the 3rd 4th and 6th aortic arches are present in shark dipnoid teleost lizards. so the answer is option 4 3rd 4th and 6th aortic arches are present in reptiles especially in lizards question number 36 neuromast organ in fishes are useful as current receptors touch receptors थर्मो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स रिटानसरेज ऑप्शन वन न्यूरोमासगन लेट्रा लाइन इन फिशज़ उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये करंट रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं और वाटर करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्रोकोडाइल पोजैसिस आर्की ने किडनी प्रोनेफ्रिक किडनी मीजो किडनी इज ऑप्शन फोर क्रोकोडाइल के अंदर जो है मेटानैफ्रिक किडनी पाई जाती है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीशी पोजैसेज सिंगल मीडियन नेजल ओपनिंग पाउच्ड गिल्स एबसेंस ऑफ पेयर्ड फिन एंड सर्कुलर माउथ लेटमेरिया चिलमुनी आर कैटला कैटला, पेट्रोमाइजॉन मेरिनस आर एम्फिनोअस कोचियस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री पेट्रोमाइजोन के अंदर सिंगल मीडियल नेजल ओपनिंग होती है पाउच्ड गेल्स भी प्रेजेंट होती हैं पेयर्ड फिन एबसेंट होती हैं और इसका माउथ जो है वो सर्कुलर होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन Ductus caroticus is found in amphibia, reptilia, bird, mammal. So, correct answer is option two. Ductus caroticus is the chamber in dorsal aorta, and it is mostly present in reptiles. Question number forty: A true air circulation in lungs is the feature of amphibians, reptiles, birds, mammals. So, correct answer is option two. A true air circulation in lungs is the feature of reptiles. क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द पावर ऑफ मेमरी एंड लर्निंग इन बर्ड्स रिजाइड्स इन सेरिब्रल कार्टिक्स, कार्पस्ट्रेटम हाइपर स्ट्रेटम लेटरल वेंट्रिकल इज ऑप्शन थ्री हाइपर स्ट्रेटम वेंट्रेल बर्ड्स के ब्रेन के अंदर एक पोर्शन है जहाँ पे मेमोरी और लर्निंग डेवलप होती है और ये मोस्टली सॉन्ग बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड होता है जो कि बिलोंग करते हैं आर्डर पेसरी फॉर्म से क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू प्रोजेक्टेड गिल सेप्टम इज फाउंड इन कैट फिश एमया पेडल फिश्रिट आंसर इज ऑप्शन फोर शार्क के अंदर प्रोजेक्टेड गिल सेप्टम पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्वाइविंग कॉन्ड्रिकस क्लेडो सैलैकी आर होलोसिफेली पैरा are uh, So, secret answer is option two holocephaly is a subclass of chondrichthyus which contain cartilaginous fishes question number 44 accessory respiratory organ in clarias batracus are in the form of form organs arborescent organs air sacs vascular skin secret so, answer is option two Accessory respiratory organ in Clarias batrachus is present in the form of arborescent organ. Question number forty-five. In ruminant mammals, different chambers of stomach fall in the sequence of abomasum, roman, omasum, and reticulum. Roman, reticulum, abomasum, and omasum. Option three. Roman, reticulum, omasum, and abomasum are roman, अमेसम रेटिकुलम एंड मेसम सुक्रेट आंसर इज ऑप्शन थ्री रोमिनेंट मेमल्स के अंदर जो है वो स्टामिक के जो चैम्बर होते हैं तो सबसे पहले रोमन फिर रेटिकुलम और उसके बाद ओमैसम एंड लास्ट में मेसम और ये रोमिनेंट मेमल्स बिलोंग करती हैं आर्डर आरटीओ डिकटाइला जिसमें अंदर कैटल हैं गोड्स हैं शीप्स हैं तो ये सारे रोमिनट मेमल्स हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच टाइप ऑफ प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन मैकनिजम इज़ फॉलोड इन ह्यूमन X क्रोमोसोम्स टू आर्टोसोम रेशो द सेक्स आर प्रेजेंस ऑफ वन आर टू एक्स क्रोमोसोम्स डेटोमाइन द सेक्स आर वाई क्रोमोसोम्स द सेक्स आर हेप्लोडिप्लाइडी ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट डिवेलमेंट द सेक्स आंसर इज ऑप्शन थ्री ह्यूमंस के अंदर वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करता है कि आया कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल हो। अगर एक्स होंगे तो चाइल्ड फीमेल होगी और अगर एक्स होगा तो फिर वो क्या होगा मेल होगा यानी वाई क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है चाइल्ड की सेक्स को क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन एन अलील इज़ कंसिडर्ड डोमिनेंट इफ़ इट्स फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड ऑनली इन हाइट्रोजाइगस कंडीशन इन होमो एज वेल एज इन हाइट्रोजाइगस कंडीशन ऑनली इन होमोजाइगस कंडीशन ऑनली इन हेमीजाइगस कंडीशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू जो डोमिनेंट अलील होता है उसके जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है वो होमोजाइगस एज वेल एज हाइड्रोजाइगस दोनों कंडीशन में होता है Question number 48 a maximum frequency of recombination in a given point that can occur is 100% 75% 50% 25% correct so answer is option 3 the maximum frequency of recombination is 50% question number 49 somatic recombination in immunoglobulin genes account for class switching एलिलिक एक्सक्लूजन एफिनिटी मैचुरेशन, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ आई जी जी जीन्स्रिट आंसर इज ऑप्शन वन अम्यूनोग्लोब्यूलन जीन्स के अंदर सोमेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से क्लास स्वैचिंग होती है जिससे अम्यूनोग्लोब्यूलन को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वट आरगनेली प्रोसेस एंड पैकेज द प्रोटीन बिफोर सेंडिंग दैम आउट ऑफ द सेल ड्यूरिंग सिक्रीशन आउटर मेबरीन ऑफ न्यूक्लियस एंडोप्लाजमिक क्रेटिकुलम गॉलजी आंसर इज ऑप्शन थ्री गोलजी कम्प्लेक्स के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन होती है जिसमें प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग और पैकिंग की जाती है बिफोर सेंडिंग दैम टू द आउट साइड ऑफ द सेल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर्गेनेली इज एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन स्केलेटन कम्पोस्ट ऑफ लेमन माइटोकॉन्ड्रियान क्लोरोप्लास्ट एन ओ आर रीजन आर न्यूक्लियस आंसर इज ऑप्शन फोर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लेमन प्रोटीन का बना हुआ एक सकेलेटन मौजूद होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल डी एन ए बिकम्स टू सी फ्राम फोर सी तो इट्स मीन फोर सी पहले था तो उसके बाद टू सी हो गया है यानी इसका अमाउंट रिड्यूस हुआ है तो ये किस फेज़ में होता है एस फेज में जी वन फेज़ में मेटा फेज में या फिर एना फेज़ में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर एना फेज़ के अंदर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो क्रोमोसोम फोर एस के बजाय टू एस चलाया हो जाता है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है क्वेश्चन नंबर फ़िफ्टी थ्री इन सेंट्रीफ्यूज द सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयट डेंसिटी सो ग्रेट आंसर इज़ ऑप्शन वन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है जो कि उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करने में यूज होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इफ़ यू विश टू स्टडी द रीजन ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन प्रोमोटर डी एन ए विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी द मोस्ट अप्राप्रिएट माइक्रो अरे प्रिसिपिटेशन क्रोमोसोम वॉकिंग आर डी एन ए आंसर इज़ ऑप्शन फोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग के रीजन को स्टडी करने के लिए फोर डी एन ए फुट प्रिंटिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है इसमें सबसे पहले डी एन ए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड की जाती हैं फिर प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके ऊपर एंडो न्यूक्लियस अनजाइम्स का अटैक करवाया जाता है तो एंडोन्युक्लियस एंजाइम उस रीजन को कट नहीं करता डाइजेस्ट नहीं करता जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया हुआ होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेल टाइप डज नाट डिवाइड इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म प्राइमरी जर्म सेल्स न्यूरॉन इंटेस्टाइनल एपीथीलीम कॉर्नियल सो सक्रेट आंसर इज ऑप्शन टू जो न्यूरॉन होते हैं ये एक डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप है और ये एडल्ट के अंदर डिवाइड नहीं होती क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स ड्यूरिंग म्योसिस वेन अ सेल एक्चुअली बिकम्स हेपलाइट एट द एंड ऑफ सेकेंड डिवीजन ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन इन पैचिटीन स्टेज और ड्यूरिंग क्या टर्मिनलाइजेशन एट टैक्नाइस और एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर म्योसिस के अंदर जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है वो हैपेलाइट डिवीजन होती है रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें जो सेल है वो हैपलाइट हो जाता है रिड्यूस हो जाता है तो सेल सेल्यूस के अंदर का प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन मोस्ट ऑफ़ द मिम्बरेन लिपिड्स आर सेंथिसाइज ऑन रफ एंड प्लाजिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस स्मूथ एंडो प्लाजिक रेटिकुलम नफ दफ सोट आंसर इज ऑप्शन थ्री मोस्ट ऑफ द मिम्ब्रेन लिपिड्स जो है वो सेंथिसाइज होती हैं स्मूथ एंडो प्लाजिक रेटिकुलम के ऊपर और इसके अलावा ये टॉक्सेंस को डिटॉक्सीफाई भी करती है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट अ न्यूक्लियोसोम इज मेड अपटोन एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर और इसके अंदर जो डी की जो बेस पेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं वन फोर्टी सिक्स बेस पेयर्स ऑफ डी एन ए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फार अ गिवन जीन अ डिप्लाइड इंडिविजुअल विल कंटेन टू अलील ल्टीपल अलील टू जीन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इंडिविजुअल्स के अंदर एक जीन जो है वो दो का रखता है यानी उसके अंदर दो अलील प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवील्ड बाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ असार्टमेंट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू मोनोहाइब्रिड क्रास के थ्रू लाफ सेग्रीगेशन की वजाहत की गई और मोनोहाइब्रिड क्रास के अंदर एक ही ट्रेड को एट अ टाइम स्टडी किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स फ्राम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज एज मेटास्टेसिस, डायपेडेसिस। नेक्रोसिस सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन कि जब कैंसर सेल्स माइग्रेट करती हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बॉडी के किसी दूसरे पार्ट की तरफ तो इसको कहते हैं मेटा आर स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज फॉर सेंथिसाइजिंग डी सी डी एन ए सी डी एन ए को कम्प्लीमेंट्री डी एन ए कहते हैं तो कौन सा एंजाइम है जो कि कंप्लीमेंट्री डी एन ए की सेंथिसिस में इन्वॉल्व होता है डी एन ए मिथाइलिस डीएनए एन ए टोपो आइसोम रेस रिवास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिटानसर रेस ऑप्शन थ्री रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जो कि सी डी एन एर कम्प्लीमेंट्री डी एन ए को सेंथिसाइज करता है फ्रॉम मैसेंजर आर एन ए